All Mix contest winner. I congratulate each and every one. You can also follow them on their Instagram, and you can also check out their YouTube channel for amazing videos. Link is in the description. तो वीडियो पर आते हैं. अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे आप सब लोग? तो इस वीडियो में मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लॉग. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू द डियर फार्म. लेट्स गो. फाइनली वी हैव रीच टू द डियर फार्म. अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है सब कुछ. तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले हम यहाँ कभी नहीं आए. हम लोगों का आने का प्लान था बट वी डिडंट नो वेयर इट वॉज, एंड फाइनली आई गॉट द लोकेशन. सो या लेट्स गेट इनसाइड. सो उनीजा से यहाँ तक के आने का 1 घंटे का रास्ता था, बट फाइनली हम पहुँच गए हैं. तो हम सबको मॉम ने कन्विंस किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि हम लोग लास्ट वीक की तरह ओशिजिया ही जाने वाले थे. But she said she want to go this way. और यहाँ पर बहुत सारे deers हैं एंड शी लव deers, सो दैट्स वाई शी ब्रॉड अस ओवर हियर. और हमें लगा था यहाँ थोड़े बहुत deers होंगे एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं होंगे. बट इट्स वर्थ इट यहाँ आना. आई शो यू गाइस, आगे देखो, बहुत मज़ा आया यहाँ पर. तो राइट साइड में यहाँ के जो ओनर है उनका मैंशन था, मैं आपको एंड में दिखाऊँगी. और अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर सारी डियर्स है. वाओ, आई थिंक यू कांट सी गाइस, बट इन झाड़ियों की वजह से. पर आगे चलते हैं और मैं कितने जमाने से तड़प रही थी हिरने देखने आए, हिरने देखना है. देख भाग रहे वाले अब्दुल्ला. वो मम्मी देखो कितने सारे. तो यहाँ से मेरे पापा शूट कर रहे थे, तो वो भी व्लॉगिंग कर रहे थे और मैं भी. तो ये क्लिप उन्होंने शूट की थी जहाँ पे मैं आ रही हूँ, मैं भी शूट कर रही हूँ और सब लोग आ रहे थे. तो वो हमसे आगे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है. सो या हियर इज़ मी एंड माई डैड शूटिंग. तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं. और यहाँ पर इतना अच्छा है देखने पर. सो या चलो चलो इधर, चलो इधर, चलो. अच्छा, तो कमेंट्स में बताना किसने मूवी बैम्बी देखी है. अफ्रा को बहुत पसंद है इसलिए वो बार बार इन्हें बैम्बी कह रही है. बैम्बी, बैम्बी बड़े बैम्बी है वो. बैम्बी की मम्मी तो रही है. और ये वो क्लिप है जहाँ डैड मुझे शूट कर रहे थे और मैं उन्हें शूट कर रही थी. ये देखो ये साइड से. वो उन्हें खिला रहा है, इतना प्यारा लग रहा है. तो नीचे जो घास है वो उनको खिलाने के लिए ही खास कर बनाई गई है. तो आगे भी सेम ऐसी ही है. यहाँ पर जो कॉर्नर्स में घास है वो तोड़ के उनको खिलाने के लिए है. और ये जो रास्ता बना हुआ है यहाँ से जाने के लिए, उनको देखने के लिए, तो ऐसे पूरा राउंड है ये वो साइड तक के. और बीच में डियर्स है सारी, और ये साइड में भी एक पूरा शेप बना हुआ है ऐसे गोल सर्कल जैसा. और यहाँ पे पापा है जो शूट कर रहे हैं. चलो चलना बेटा, कुछ नहीं ना, चलना नीचे से. अफरा चल जल्दी. अफरा घास से डरती है पागल. Thank you.
खिला अपरा उसको खिला, अपरा खिला उसको, खिला उसको अपरा खिला, खिला अपरा खिला, खिला अपरा तोड़ के अपरा खिला, देख खिला खिला। हाँ इधर वाले बेचारे चीटिंग को रीड के साथ ये ऐसी बड़ी खिलाना उसको, मैं वही खिला रहा हूँ गोल वाली पूरी। ये ले अपरा, ये ले अपरा, खिला अपरा उसको, खिला खिला देगा ये देख। मैं बोलूँ सबसे अच्छा तरीका मतलब ज्यादा खाएंगे तुम नीचे दो तो उनको आसानी पड़ती खाने में, नीचे दे। खिला खिला अपरा खिला, नीचे से दे अपरा, नीचे से दे तो इजी को तो सब बच्चे। मम्मी हीरा ले निकाल रही हूँ, तेरे को बच्चा निकाल रहा हूँ, घूम जा क्या। चलो 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 मम्मी, तुम ही आखिर में, मम्मी को इतने पसंद है ये, बहुत पसंद है। मेरी मम्मी को तो आप देख ही सकते हैं कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो अभी हम लोग ऑस्ट्रिच के सेक्शन आए हैं और यहाँ पर सामने एक ऑस्ट्रिच है, एक नहीं मतलब बहुत सारे हैं, बट आई जस्ट सेड वन क्योंकि सामने एक ही है। और वहाँ देख सकते हैं आप वो बच्चे के साथ खेल रहा है, ओ ना क्यूट है। दूसरी साइड आए हैं और यहाँ पर है अरेबियन ऑरिक्स, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सो ये सेक्शन पूरा इनके लिए है, अगर आपको इनके बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ। तो हम इससे थोड़ा और आगे जाए तो वहाँ पर हॉर्स है और उनका स्टेबल है, तो अभी चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर थ्रू कार भी आप लोग देख सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू वॉक दैट भी आल्सो यू कैन गो। तो हम लोग चल के देख रहे हैं पूरा, और बहुत सारे लोग यहाँ से कार से ही देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, लाइक 12 डिग्री थी आई थिंक। सो या हियर आर द हॉर्स, आई लव द ब्राउन वंस, इट्स लुकिंग सो नाइस, लाइक आई लाइक ऑल ऑफ देम, मुझे घोड़े बहुत पसंद है, मैं इन पे बैठी भी हूँ बहुत बार पहले, अभी तो नहीं। उसको लगा कि खाने के लिए देंगे, मेरे पास नहीं है खाने के लिए। देखिए उसको लग रहा खाने के लिए देंगे लेकिन नहीं, अपने पास से क्या देंगे। तो अब हम फार्मिंग की साइड जाएंगे जहाँ पर क्रॉप्स उगते हैं, रेज होते हैं। वहाँ पर सबको अलाउ नहीं है, बट क्योंकि वो अंकल के फ्रेंड है तो उन्होंने हमें अलाउ किया है, हम लोग वहाँ जाके देख सकते हैं वहाँ पे कौन से क्रॉप्स उगते हैं। तो लेट्स गो, कौन से फ्रूट्स है क्या है। सो या हियर वी गो। Wow.
बन गया छील। रुक मैं छिलती पकड़ मैं को मैं को मैं को ओके छिल ऑरेंज नहीं है संतरे कद्दू ऑरेंज है पागल कद्दू बोल रहा किस एंगल से कद्दू दिख रहा है ऑरेंज वही तुम क्या ऑरेंज नहीं पापा ने एकदम फ्रेश निकाले तो अंकल ने हमें कहा कि हम यहाँ के कुछ ऑरेंजेस ट्राई कर सकते हैं तो हम लोग वो ही कर रहे थे एंड या और मैं यहाँ अब्दुल्ला को कह रही थी कि ही इज़ आल्सो लुकिंग लाइक ऑरेंज तो यहाँ आफ्टर ऑल मैं कुछ संतरे ट्राई कर रहे थे कुछ खट्टे थे कुछ मीठे थे और कुछ का टेस्ट था ही नहीं और ठंडी बहुत थी तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताती हूँ मोहम्मद खड़े हो गया कुछ भी नहीं दिख रहा है ना दिख रहा है चल तेरे पास नाइट मोड है मैंने तो अब हम इंतरा बिन शद्दात रॉक के पास जा रहे हैं इस रॉक की हिस्ट्री ये है कि ये लैला और मजनू का मिलने का स्पॉट था सो या लेट्स गो तो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स का रास्ता है सो या दिस इज द रॉक यू कैन सी देयर उनके पैरों के निशान है दिस इज हाउ इट इज ओ माय गॉड सो डेंजर ये देखो अफरा इतने बड़े थे अम्मी बोलो उस जमाने में शहर देखो बताया मुझे दिस इज सो इनसेन क्या हम जाने सो ये लैला मजनू के मिलने की जगह है यहाँ वो लोग मिलते थे और ये एनएल जॉम है ये वो रॉक है जहाँ वो लोग मिलते थे ये अभी पूरा काट चुके हैं बट ये एक मीन है जिसपे वो रहते थे हो गया तो अब हम लोग जा रहे हैं अब पता नहीं कहाँ जाएंगे चलो देखते ठंडी मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही ना इतना अंधेरा था यहाँ पर और ये वो तो अब हम लोग पहुँच गए बरेदा तो अब खाना खाते हैं तो अभी हम जा रहे हैं इंडिक रेस्टोरेंट में सो लेट्स गो पहुँच गए रेस्टोरेंट और सब लोग भी आ गए आज इतनी ठंडी है तो अभी हम इंडिक रेस्टोरेंट के बाजू में ये एक शॉप थी यहाँ पर आए हैं तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यहाँ पर ज़्यादातर डेकोरेशन और किचन स्टाफ ही है मेरे कुछ काम का है नहीं बट लेट्स सी आई इफ आई कैन गेट एनी बेकिंग बोर्ड्स और समथिंग लेट्स गो आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोना से लेट्स गो तो मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है और अफ्रा ने ये छोटा सा टिश्यू बॉक्स लिया है बहुत छोटा है वीडियो में नहीं दिख रहा है बट उसके हाथ के जितना ही है
तो अभी वो उसका टिश्यू निकाल के आपको दिखाएंगी। वो टिश्यू पेपर फोल्डेड छोटा है बट वो है असल में बहुत बड़ा, तो इसलिए। सो या नाउ इट्स आवर वे टू होम। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। इफ यू स्मैश दैट लाइक बटन। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।